और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर आए उसका टाइटल है हाउ भगवद गीता चेंज द साइंटिफिक वर्ल्ड, द इंपैक्ट ऑफ भगवद गीता स्टडी IQ। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब रणभूमि में खड़ी कौरवों की सेना की ओर धनुर्धारी अर्जुन अपने परिवार वालों, अपने गुरुओं और अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, उनके मन में युद्ध करने या ना करने को लेकर अनेक सवाल खड़े होने लगते हैं। ऐसे में वो इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अपने सारथी श्री कृष्ण का रुख लेते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में उठे असमंजस के इस भवंडर को शांत करने के लिए जो उपदेश, जो ज्ञान या जो बातें उन्हें बताते हैं, उन्हें ही हम व्यापक तौर पर भगवद गीता के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में इसी महान शास्त्र को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्सी हमें देखने को मिली, जहां रिसेंटली हुए किलियन मर्फी स्टारर ओपेनहाइमर के एक सीन में भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 32 के इंटरप्रिटेशन को लेकर कुछ लोग फिल्म मेकर से नाराज नजर आए। वो श्लोक है, कालो अस्मि लोकशया कृत प्रवद्धो लोकान समाहर्तुम ई प्रवत्ता, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है, नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मूवी और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रियल इंटरव्यू के अनुसार ये वो पंक्तियां हैं जो ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान वर्ल्ड के फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब को एक्सप्लोड होते देख रॉबर्ट ओपेनहाइमर को याद आ रही थी। इस श्लोक के गलत इंटरप्रिटेशन की बात का समर्थन करने वाले पक्ष का कहना है कि यहाँ श्री कृष्ण अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, नैतिक और अनैतिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जहाँ श्लोक से उनका तात्पर्य है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान खुद काल का रूप लेकर संसार को इस पीड़ा से मुक्त कराने आते हैं। दरअसल ये श्लोक बताता है कि जब महाभारत के युद्ध में अपने ही लोगों को मारने की बात से अर्जुन का मन विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये समझाते हैं कि जो सेना उनके सामने खड़ी है वो अधर्म का प्रतीक है, इनके पापों का घड़ा भर चुका है, क्योंकि खुद भगवान कृष्ण उनका काल बनकर युद्ध के मैदान में मौजूद है। दोस्तों, इस श्लोक के इंटरप्रिटेशन को लेकर शायद वाद विवाद अभी लंबा चलेगा, लेकिन एक बात में कोई संदेह नहीं है कि भगवद गीता ने प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट और फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। दरअसल ओपेनहाइमर जो बाय बर्थ एक जर्मन ज्यूइश थे, हिंदू फिलॉसफीज और स्पेशली भगवद गीता में काफ़ी रुचि रखते थे, इतना कि भगवद गीता को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ने के लिए उन्होंने ईयर 1933 में बर्कले में प्रोफेसर आर्थर राइडर से संस्कृत सीखी। ओपेनहाइमर के अनुसार भगवद गीता ने उनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी को शेप करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें गीता पर इतना विश्वास था कि वो अपने दोस्तों को भी गीता पढ़ने की सलाह देते थे और खुद गीता की एक कॉपी हमेशा अपने पास रखते थे। यहाँ तक कि US के 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के फ्यूनरल में भी उन्होंने गीता के 17वें अध्याय से 3रा श्लोक पढ़ा था, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यक्षाद्रा साएव सह, यानी सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। लेकिन दोस्तों, ओपेनहाइमर भगवद गीता को पढ़ने और अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले केवल एक लौते इंसान नहीं है। भगवद गीता ने दुनिया में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है, जिसमें महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे भारतीयों से लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी डेविड थोरियो, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और एनी बेसेंट जैसे अनेकों नॉन इंडियन पर्सनैलिटीज भी शामिल हैं। भगवद गीता ने अनेक प्रसिद्ध लोगों को इंस्पायर किया है, जिसने उनके आम से खास बनने के सफर में अहम भूमिका निभाई है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे भगवद गीता ने दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया और इन लोगों का गीता पर क्या कहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, UPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का UPSC प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिग्रेस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं। दोस्तों, 11th ऑफ अगस्त को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस
इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रही हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG Life कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, सामान्य तौर पर भगवद गीता को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी साहित्य मौजूद हैं उसमें गीता को सबसे ज्यादा अहम मानते हैं। इसलिए 700 श्लोकों में सीमित इस शास्त्र को सभी ग्रंथों का सार भी कहा जाता है। किंतु आज के समय में ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को जीवन के उद्देश्य से परिचित कराने वाला दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का हिस्सा भी बन चुका है। यही कारण है कि आज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर एस्पिरेंट्स को भी एथिक्स सब्जेक्ट के माध्यम से भगवद गीता के कुछ जरूरी उपदेशों को पढ़ाया जा सकता है ताकि वो नैतिक और अनैतिक के भेद को अच्छे से समझ सकें। असल में भगवद गीता धर्म की सीमा से परे जाकर जीवन को कैसे जीना है और सही और गलत के बीच में फर्क के ऊपर प्रकाश डालता है। ये गीता की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि ये भारत को पार कर विश्व के कई प्रमुख देशों में अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ चुकी है। भगवद गीता को अब तक 80 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है जिसमें 65 से ज्यादा विदेशी भाषाएं शामिल हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भगवद गीता की दुनिया भर में पॉपुलैरिटी की वजह किसी भी प्रकार का मिशनरी एक्टिविटी नहीं बल्कि लोग गीता को सोलली इंड्योरिंग वैल्यूज के कारण पढ़ते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। कई जगहों में इसे लाइफ मैनेजमेंट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि गीता के उपदेशों में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। यही कारण है कि आज ये महान शास्त्र योगा की तरह पूरे विश्व के जीवन को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर रहा है। हालांकि गीता का वेस्पर प्रभाव फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से जाने जाने वाले सर विलियम जोन्स और उनके द्वारा फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी से शुरू हुआ था। दोस्तों, सर विलियम जोन्स ने 15 फरवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य एशियन लिटरेचर स्टडीज को प्रमोट करना था। एशियाटिक सोसाइटी ने ईस्ट और वेस्ट को इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल दोनों पर ही मिलाने में एक हिस्टोरिकल रोल प्ले किया था। सर विलियम्स इस सोसाइटी के एशियाटिक रिसर्चर्स नाम के एक जर्नल के माध्यम से इंडियन फिलोसफीज और लिटरेचर वर्क्स को वेस्ट तक पहुंचाने का काम करते थे। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि इस दौरान वेस्ट में संस्कृत स्टडीज और कंपेरेटिव ग्रामर और फिलॉसफी के डिसिप्लिन्स एस्टैब्लिश होने लगे थे। एशियाटिक सोसाइटी का सबसे पहला बड़ा प्रभाव यूरोपियन देशों पर पड़ा और इस प्रभाव का कारण था भगवद गीता का इंग्लिश में हुआ ट्रांसलेशन। गीता को इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति सर चार्ल्स विल्किंस थे जिन्हें बैरन हेस्टिंग्स ने एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से संस्कृत सीखने के लिए बनारस भेजा था। ये वही बैरन हेस्टिंग्स हैं जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बैरन हेस्टिंग्स और चार्ल्स विल्किंस दोनों ही भगवद गीता से बड़ा प्रभावित थे। हेस्टिंग्स का मानना था कि गीता के उपदेशों को यदि सही से फॉलो करें तो इससे मानव समाज में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। जब गीता के फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुआ तब वॉरेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे प्रिंट कराने और यूरोप में पब्लिश करने का अनुरोध किया। हेस्टिंग्स ने खुद इस महान किताब की इंट्रोडक्शन लिखी थी। भगवद गीता के महत्व से भली भांति परिचित वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके पहले पन्ने में ये भविष्यवाणी करते हुए लिखा था कि महान भारतीय दर्शन शास्त्र के लेखक तब भी जीवित रहेंगे जब भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा और उनके द्वारा प्राप्त सारा धन यादों में मिट जाएगा। इस ट्रांसलेशन को द भगवद गीता डायलॉग ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना के टाइटल से पहली बार ईयर 1785 में पब्लिश किया गया। अपनी यूनिवर्सल वैल्यूज के कारण चार्ल्स विल्किंस की भगवद गीता की यह ट्रांसलेशन थ्रू आउट द यूरोप लोगों की फेवरेट किताब बन गई। ईयर 1787 में J.P. परॉड नाम के एक फ्रेंच स्कॉलर ने विल्किंस के इंग्लिश वर्जन को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया और बाद में इसे जर्मन स्पैनिश रशियन समेत कई भाषाओं में पब्लिश किया। इसके बाद भगवद गीता ने विश्व के महानतम वैज्ञानिकों दार्शनिक कवि संगीतकार और बुद्धिजीवियों को न केवल प्रभावित किया है बल्कि उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फिजिक्स का नाम लेते ही आइंस्टीन का चेहरा अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है। इन महान जीनियस का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था जिन्हें फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फॉर्मूला E=mc² के लिए जाना जाता है। वैसे तो आइंस्टीन एक एग्नोस्टिक यानी संशयवादी थे जो भगवान के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं थे लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिंदू फिलॉसफीज में काफ़ी रुचि थी जिसके चलते उन्होंने भगवद गीता को पढ़ा। आइंस्टीन रविन्द्रनाथ टैगोर को काफ़ी अच्छे से जानते थे और सोर्सेस के अनुसार ये दोनों
चिट्ठी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे। साल 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर आइंस्टीन से मिले और उनके घर बर्लिन गए थे, जहां उन दोनों ने काफी देर तक रिलीजन और साइंस पर विचार विमर्श किया। उनके इस कॉन्वर्सेशन को न्यूयॉर्क में आइंस्टीन एंड टैगोर प्लम द ट्रूथ साइंटिस्ट एंड पोइट एक्सचेंज ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस विदाउट रिलेशन टू ह्यूमैनिटी इस टाइटल से पब्लिश किया गया था। माना जाता है कि टैगोर के साथ इस कॉन्वर्सेशन के बाद आइंस्टीन काफी प्रभावित हुए और ये उनके इंडियन फिलोसफीज की तरफ आकर्षण का एक कारण भी बना। गीता पढ़ने के बाद आइंस्टीन ने कहा कि जब मैंने गीता पढ़ी तब मैंने खुद से यह सवाल किया कि आखिर भगवान ने कैसे इस ब्रह्मांड की रचना की, और फिर मुझे सब कुछ तुच्छ लगने लगा। आइंस्टीन ने कई बार इस बात को लेकर भी अफसोस किया कि उन्होंने गीता को पहले क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि शायद यदि वो गीता पहले पढ़ लेते तो उनके लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव कुछ और होता। हेनरी डेविड थोरियो फेमस अमेरिकन नेचुरलिस्ट, पोइट और फिलोसोफर थे। उन्हें सबसे ज्यादा फेम उनकी किताब वॉल्डन के लिए मिला, जिसमें उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग्स में अपनी सिंपल लिविंग के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा वो अपने ऐसे सिविल डिसोबीडियंस के लिए भी जाने जाते हैं। थोरियो ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू कई पॉलिटिकल लीडर्स और रिफॉर्मर्स जैसे कि महात्मा गांधी, US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग और रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय को प्रभावित किया। लेकिन थोरियो खुद इंडियन फिलोसफीज और स्पेशली भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फेमस किताब वॉल्डन में भी गीता का कई बार उल्लेख किया। थोरियो गीता के बारे में लिखते हैं कि इसे पढ़ने के बाद उन्हें दुनिया में मौजूद बाकी सारे लिटरेचर और टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट लगने लगे। दोस्तों, राल्फ वॉल्डो एमर्सन एक अमेरिकन एसेस्ट, पोइट और फिलोसोफर थे, जिसने US के न्यू इंग्लैंड रीजन में लेट 1820s और 1830s में ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट में इमर्ज होने वाला वन ऑफ द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। इस मूवमेंट के पीछे कोर बिलीफ ये था कि नेचर और लोग इनहेरेंटली अच्छे होते हैं, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशंस लोगों के दिमाग को करप्ट बना देता है, इसलिए मूवमेंट इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद को एम्फेसाइज करता था। इंडिविजुअलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल, मोरल और सोशल फिलॉसफी है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है और उसका समर्थन करता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के लगभग सारे ही ब्रॉड मूवमेंट्स कहीं ना कहीं इस मूवमेंट से लिग्न है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इमर्सन इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए काफी हद तक भगवद गीता पढ़कर इंस्पायर हुए थे, और इमर्सन को भगवद गीता पहली बार थॉमस कार्लेल ने, जो कि खुद एक जाने माने ब्रिटिश हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे, गिफ्ट के तौर पर दी थी और कहा था कि भगवद गीता वर्ल्ड की मोस्ट इंस्पायरिंग किताब है। इसे पढ़ने के बाद उन्हें अपने जीवन में सुकून प्राप्त हुआ और वो उम्मीद करते हैं कि इमर्सन को इसे पढ़ने के बाद शांति और सुकून प्राप्त होगा। वो किताब आज भी बॉस्टन में इमर्सन के कलेक्शन में संभाल कर रखी हुई है। कार्लेल का गीता के प्रति एडमायरेशन को देखकर इमर्सन भी इसे पढ़ने के लिए इंस्पायर हुए, जिसके बाद गीता ने उनकी पूरी लाइफ को शेप किया। दोस्तों, निकोला टेस्ला 19वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें वर्ल्ड का सबसे पहला एसी मोटर डिजाइन करने के लिए हम जानते हैं। टेस्ला ने ईयर 1926 में ही स्मार्टफोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के इन्वेंशन को प्रेडिक्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला की थिंकिंग काफी हद तक इंडियन वैदिक कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड थी। टेस्ला स्वामी विवेकानंद के काफी क्लोज थे और दोनों के बीच अक्सर लाइफ और एनर्जी जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन होता था। एक बार ईयर 1896 में स्वामी विवेकानंद फेमस फ्रेंच एक्ट्रेस सारा बर्नहार्ट का प्ले देखने गए थे। प्ले के दौरान जब बर्नहार्ट की नज़र स्वामी विवेकानंद पर पड़ी, तब इंस्टेंटली उसने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया और प्ले के बाद उनके साथ एक मीटिंग अरेंज की। उस मीटिंग में निकोला टेस्ला भी मौजूद थे। उस मीटिंग के दौरान स्वामी विवेकानंद और टेस्ला ने प्राण यानी कि एनर्जी, आकाश यानी कि मैटर और कल्प यानी कि टाइम जैसे वैदिक कॉन्सेप्ट्स पर काफ़ी चर्चा की। टेस्ला वैदिक फिलॉसफी के इन कॉन्सेप्ट से काफ़ी फैसिनेट हो गए और उन्होंने उसी शाम स्वामी विवेकानंद को प्रॉमिस किया कि वो इन वैदिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और जानेंगे और उन्हें वेस्टर्न साइंस में मैथमेटिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने की भी कोशिश करेंगे। बाद में टेस्ला के कई कामों में प्राण और आकाश जैसे संस्कृत वर्ड्स का उपयोग देखने को मिला। टेस्ला हिंदू फिलॉसफीज में इतना इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने भगवद गीता को भी उसके ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत में ही पढ़ा था, ताकि वो किसी भी प्रकार की ट्रांसलेशन एरर को अवॉइड कर सकें। इस नाम से तो हम सब भली भांति परिचित हैं। सुनीता विलियम्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन हैं, जिन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया था।
टोटल दो स्पेस मिशंस में विलियम्स ने 321 डेज 17 आवर्स और 15 मिनट्स टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा सुनीता विलियम्स ने लॉन्गेस्ट टाइम के लिए स्पेस वॉकिंग में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 50 आवर्स 40 मिनट्स तक स्पेस वॉक करने के साथ ये वर्ल्ड की 8th मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पेस वॉकर बनी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिफिक एटीट्यूड होने के बावजूद सुनीता पर्सनली एक काफ़ी रिलीजियस पर्सन थी, और इसके बाद और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि विलियम्स इन स्पेस मिशंस के दौरान अपने साथ भगवद गीता की एक कॉपी और भगवान गणेश की एक मूर्ति ले गई थी। एक इंटरव्यू में पूछे जाने पर विलियम्स बताती हैं कि भगवद गीता इन्हें हर वक्त इस बात से अवगत कराती रहती हैं कि वो क्या कर रही हैं और उनकी पूरी लाइफ का क्या मीनिंग है। उनका मानना है कि भगवद गीता जैसे अनेक किताब एक इंसान को मोरली ग्राउंडेड रखने में मदद करती हैं। दोस्तों भगवद गीता के चार्म ने स्टालिन जैसे रूथलेस डिक्टेटर को भी इम्प्रेस कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि उस वक्त यूएसएसआर में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर पोस्टेड थे, अक्सर स्टालिन को भगवद गीता पर लेक्चर दिया करते थे, और सरप्राइजिंगली स्टालिन डॉक्टर राधाकृष्णन को बहुत ध्यान से सुना करता था। स्टालिन डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रोफेसर कह के बुलाता था और वो ऑलमोस्ट उनका डिसिपल बन चुका था। यहाँ तक कि डॉक्टर राधाकृष्णन वापस इंडिया लौटने लगे तब स्टालिन खुद उन्हें एयरपोर्ट मिलने आया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन के चीक्स पर पैट किया, जिसके बाद स्टालिन उनके इस फादरली जेस्चर को देख इमोशनल हो गया और उनसे कहा कि आज तक पूरी दुनिया में मुझे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया और आप पहले वो इंसान थे जिसने मुझे ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया। और दोस्तों ये सारी कहानियाँ भगवद गीता की करिश्मा की एक छोटी सी झलक है। ये उनमें से सिर्फ कुछ लोगों की कहानी है। इसके अलावा एडविन अर्नॉल्ड, वॉल्ट विटमैन, टी एस इलॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ, अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ और ह्यूग जैकमैन जैसे न जाने कितने फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने भगवद गीता पढ़ा और वो अपनी सफलता का श्रेय भगवद गीता को देते हैं। तो सो कहते हैं कि हर एक इंसान में इमेंस पोटेंशियल होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने जीवन में इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाते कि वो असल में है कौन और वो दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं। भगवद गीता वो किताब है जो इंसान को उनके रियल सेल्फ को जानने में मदद करती है और उनके अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने का पावर प्रोवाइड करती है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस महान किताब को पढ़कर अपने जीवन की सही दिशा को पहचान पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भाई आज की वीडियो की अगर बात की जाए तो एक चीज़ का जो है मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी में जब कुछ आप तक जो है पहुंचना होता है, बेशक वो किसी भी तरीके से पहुंचे वो पहुंच जाता है, क्योंकि अभी जो वीडियो में हमने जितने भी साइंटिस्ट देखे हैं या जितने भी लोग देखे हैं उन तक जो है भगवद गीता अगर देखी जाए तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट किसी के थ्रू जो है वो पहुंची है। लेकिन उसके लिए भी आपको कर्म करना होगा पाठ, या तो कर्म करोगे या तो कर्म नहीं करोगे। तो दोनों मतलब अगर कर्म करोगे तो मतलब वो भी कुछ होगा, और अगर कर्म नहीं करोगे तो वो भी आपका आप मानेंगे लाइक एक कुछ करना होता है कि मतलब हमने कुछ किया है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं किया। सो मैं ये बात बोलूँगी कि लाइक जितने भी एक्टर्स थे और जो जो जितने भी साइंटिस्ट और हम लोगों ने फिलोसोफर देखे, हिस्टोरियंस देखे, उनकी लाइफ को चेंज करने में जिस तरीके से एक रोल प्ले किया भगवद गीता ने, मुझे ये चीज़ लगती है कि ना भगवद गीता में इतना डीप नॉलेज है कि आप फर्स्ट टाइम जब सुनते हो आपको उस तरह आप वो लेवल अटेन नहीं कर पाते। ये हकीकत है, क्योंकि हम दोनों ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। हमें समझ आई थी पहली मरतबा में, लेकिन आई थिंक वो लेवल नहीं रहता। लेकिन अभी जब आप उसको मुसलसल सुनते हो और डीपली उसके हर मीनिंग को समझते हो तो आपको समझ में आता है कि ये तो हमारी जो रूटीन लाइफ में जो हमारे साथ चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया गया है। और इसके लिए तो बोला गया कि कर्म करो, तो कर्म करना कितना इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बताया गया है। और मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज जो है ना बहुत मैं कहूँ कि नॉर्मल सी हो कि कर्म ना करना भी, मतलब अगर आप कुछ नहीं करते तो वो भी एक कर्म है। लेकिन यह इसके बारे में सोचना और ये कितना डीप मीनिंग है इसका, मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में हर किसी को समझ में नहीं आती, बिकॉज मुझे भी बहुत टाइम के बाद ये चीज़ समझ में आई है। और मैं अगर यहाँ पर भी लोगों को देखूँ तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो सोचा ही नहीं जाता और ना ही लोग सोचना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं या किसी ऐसी सेक्रेट बुक को पढ़ते हैं,
और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं. और बहुत सारे बीच में जो साइंटिस्ट थे या हिस्टोरियन थे, उन लोगों ने संस्कृत में पढ़ा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट में भी डिफरेंट तरीके से आपको समझ आना शुरू हो जाता है. तो उसमें देखो कि उन्होंने कितनी एफर्ट्स डाली, वो भी उनका एक कर्म था. भाई देखें, जो भी आपने अगर होली स्क्रिप्चर्स पढ़नी हो ना, तो उसमें जो है आपको एक मेंटोर की जरूरत जो है वो लाजमी रहती है. अभी भी जितने साइंटिस्ट हम देखें या फिलोसफर देखें जिन्होंने जो है कुछ सीखा भगवद गीता से, उन्हें जो है उसके साथ साथ गाइड करने वाले जो है आपको जो है लोग भी जो है वो मिलते रहे हैं. खाली मेरा ख्याल है अगर संस्कृत सीख ली जाए और आपको समझ ना लगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है. हाँ, अगर आपका मेंटोर है और आपको चीजें वो समझा रहा है बता रहा है, तो फिर ही आपको जो है हर चीज का जो है फायदा होता है. अभी जितने भी हमने साइंटिस्ट देखे कहीं ना कहीं जो है वो आपको जो है फुली इंस्पायर्ड जो है वो नजर आते हैं. और जिंदगी में नो डाउट कई लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि यार काश ये चीज हमें जो है वो पहले मिल गई होती. लेकिन जो है एक चीज जो मैंने अक्सर सुनता भी हूँ कि वक्त से पहले जो है ना, यानी कि सही वक्त से पहले जो है आपको कोई चीज जो है वो नहीं मिलती, वो आपको तब ही मिलती है जब उस चीज के मिलने का वक्त आ चुका होता है. मुझे ऐसा लगता है जब हम कॉन्शियस हो रहे होते हैं ना, तो चीजें हमें खुद ब खुद उस डायरेक्शन में लेकर जाना शुरू हो जाती है और हम इवेंचुअली उधर जाते हैं. अभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप विद टाइम मैच्योर होना शुरू हो जाते हो अगर आप सीखना चाहो तो. और अगर जैसे मैं तो मोस्टली अगर देखूं तो मैं तो ऑब्वियसली भगवद गीता तो नहीं मैंने पढ़ी, लेकिन ये कि महाभारत में जो चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने वीडियो की फॉर्म में देखे हैं, हाँ. आप जब उनको सुनते हो तो तब आपको आइडिया होता है उनके मीनिंग के बारे में. और इतना कुछ बताया जाता है, मतलब मुझे कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं. जैसे कि उसमें ये बताया गया, अगर हम 73 जो भगवद्गीता का फर्स्ट पार्ट है वीडियो, हाँ. का उसमें देखें तो जो लॉर्ड कृष्णा है वो बताते हैं कि लाइक जो एक आम आदमी है, मतलब कि जो एक नॉर्मल आदमी, हाँ. है, इतना कॉन्शियस नहीं है, वो उसका दिन और एक मुनि का दिन, मतलब अगर एक आम आदमी का दिन है तो वो मुनि के लिए रात है, और अगर एक जो आम आदमी है उसके लिए मतलब रात है ना, तो वो मुनि का दिन है. मतलब कि हम जो एक नॉर्मल मनुष्य होता है ना, हाँ. वो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पड़ा होता है, वो मुंह में बड़ा पड़ा होता है, वो इतना ज्यादा अपने लिए मतलब सोचता है ना कि उसके लिए वो किसी बाकी लोगों को ना फायदा नहीं देता. तो जो अच्छे लोग होते हैं वो सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचते, वो बाकी दुनिया का, बाकी इंसानियत का भी फायदा सोचते हैं. सो काफी सारी ऐसी चीजें जब आप सुनते हो तो आपको एक डीप नॉलेज जो है वो देखने को और जानने को मिलता है. इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिसमें अगर हम लोग देखें आई थिंक काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिसमें से सिल्वेस्टर हैं आई थिंक, है ना, उन्होंने अपने बेटे का पिंड दान किया. फिर आई थिंक कैटी पेरी के बारे में हम लोगों ने सुना था कि वो भी प्रैक्टिस करती हैं. बिल्कुल. फिर थोर के बारे में अब मुझे उनका नाम नहीं मालूम क्योंकि वो फेमस कैरेक्टर का थोर ही है, उनकी अगर बात की जाए तो उनके बारे में भी सुना है. हाँ अच्छा, मैं मुझे वैसे नहीं याद उनके बारे में, लेकिन ये काफी सारे हम लोगों ने हॉलीवुड के एक्टर्स सिंगर, हाँ. जिनके बारे में आप सुनते हैं कि वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको नजर आता है कि वो हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. आई थिंक ये आपके ना अपने, मुझे लगता है इनर सेटिस्फेक्शन की भी बात होती है, जहाँ पर आपको सुकून मिलता है आप वहां पर ही जाते हो. बाकी आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आपको इतने सारे जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, उनके बारे में पता था कि जो भगवद्गीता से इंस्पायर हुए हैं. जरूर बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में. और भगवद गीता में अगर आप डेली पढ़ते हैं तो वो कौन सी एक, आई थिंक श्लोक बोलते हैं ना, बिल्कुल. कौन सा एक श्लोक है आप हिंदी में लिखकर बताइएगा कि जिससे आप इंस्पायर होते हैं और अपने आप को डेली रूटीन लाइफ में मोटिवेट करते हैं. इंग्लिश में लिखिएगा, हाँ, ताकि हमें हम पढ़ सकें. हाँ इंग्लिश में चलें लिख दें. सो अच्छा वैसे कुछ लोग, मैं यहाँ पर बता दूं कि एक दो कॉमेंट ऐसे आते हैं जो कि उर्दू में, मतलब गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हैं और उर्दू में लिखते हैं, मतलब वो बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है वो, मतलब वो इंग्लिश में लिखे, इंग्लिश हमें समझ लग जाती है. इंग्लिश में आप लिख देना, ठीक है. और इसी के साथ ही मैं जाता हूं वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय.